राहुल वैद्य के बाद अब अर्जुन बिजलानी आगे आए हैं और यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी एक्टर का ये जो पूरा मुद्दा है उस पर अब आगे आकर उन्होंने अपनी राय भी रखी है। क्या कहना है अर्जुन बिजलानी का, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। तो जहां राहुल वैद्य ने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किए कि भाई ओटीटी पर इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स आते हैं तो यहाँ पर आप एक्टर्स और फिल्म आर्टिस्ट को लेकर आइए, यानी कि एक्टर्स को लेकर आइए, वहीं अर्जुन बिजलानी एक अलग राय रखते हैं। उनका कहना है, आई हैव ऑलवेज स्टूड फॉर द टीवी इंडस्ट्री बट आई फील यूट्यूबर्स आर इक्वली हार्ड वर्किंग, कि मैं हमेशा टीवी इंडस्ट्री के लिए खड़ा रहा हूं लेकिन मैं ये मानता हूं कि यूट्यूबर्स भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ऑल ऑफ देम मे नॉट बी एक्टर्स, वो सब जो है एक्टर्स जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हार्ड वर्क तो वो भी करते हैं ना लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और टीवी एक्टर भी क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या करती है, आपको एंटरटेन करना, उनका प्रोफेशन क्या है, एंटरटेन करना। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि जो यूट्यूबर्स हैं वो भी तो आपको एंटरटेन कर रहे हैं ना, तो एंटरटेनमेंट आपको चाहे सिल्वर स्क्रीन से मिले, छोटे पर्दे से मिले, बड़े पर्दे से मिले, या फिर आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल से मिले, यानी कि यूट्यूबर्स भले ही आपको जो है एंटरटेन करने का काम तो करते ही है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट करने वाला हर शख्स जो है वो आना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो एक्टिंग करते हो ना। सो हाउ अबाउट सेइंग वी ऑल बिलोंग टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो कहा जाए तो हम सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं ना, और ये प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालों के लिए है। जस्ट माय ओपिनियन, व्हाट्स यूअर्स कांट बी डिवाइडेड ऑन, है ना। तो ऑन दिस टॉपिक, ऑन दैट नोट, पीस आउट। तो इसमें हम एक आपस में लड़े झगड़े, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दोनों हैं और दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यही हमें समझना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे अर्जुन की, कितना एग्री करते हैं आप अर्जुन की बात से, बहुत ही सेंसिबल बयान दिया है उन्होंने, आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं।